बट्टू आज बड़ा शांत दिन है, आज तो मजे से खेलेंगे दिन भर, बड़ा मजा आएगा। वो सब तो ठीक है साहब जी, लेकिन इसमें खाने का रेसिपी किधर लिखा है? वो उड़ गया साहब जी, सब उड़ गया। अरे टिंग टॉक संभल के, तुम्हारे सिर पे लग जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। वो रहे गट्टू बट्टू, अभी पकड़ता हूँ। अरे गट्टू मोबाइल में नहीं, ऊपर देखो ऊपर। कौन है भाई? गट्टू बट्टू अभी अभी टीवी पे न्यूज देखी तो सोचा तुम्हें बताता चलूं। सावधान एक्सप्रेस को डाकू खली बाबा और चार चोरों ने लूट लिया है। उसमें 100 किलो सोना था और तुम्हारी एजेंसी के ही गार्ड थे। ओह, इंस्पेक्टर मनमानी अब हमारे ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे। बट्टू जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। थैंक यू प्रोफेसर। वेलकम, बाय बाय। बट्टू पुलिस स्टेशन पीछे है। ओ हाँ। आराम से नहीं, हमें डाकू को पकड़ने के लिए जल्दी पुलिस स्टेशन जाना होगा। उतरी पुलिस स्टेशन। अरे लेकिन हम पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं? गट्टू, बट्टू के अंदर का जासूस कह रहा है कि अगर खली बाबा ने सोना चोरी किया है तो वो जंगल और पहाड़ों की तरफ भागेगा। उसे हम अभी भी पकड़ सकते हैं गट्टू, चलो उधर ही चलते हैं। पुलिस स्टेशन गए ना तो मनमानी हमें ही अंदर कर देगा। टिंग टोंग कहाँ जा रहे हैं आप? बट्टू हमें लगता है टिंग टोंग की याददाश्त गुम हो गई है और वो खुद को मेंढक समझ रहे हैं। टिंग टोंग, टिंग टोंग कहाँ है आप? टिंग टोंग, टिंग टोंग। अरे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ जो मुझे खाना चाहते हैं। साहब जी आप लोग इधर। साहब जी हम तो खाली बाबा और सार शोर को पकड़ने के लिए जा रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? टिंग टोंग आप जीप में चलिए, फिर आपकी जीप का किस्सा सुनते हैं। चलिए ठीक है साहब जी। बट्टू अगर आपका कहना सही है तो हमें यहीं कहीं छुपकर इंतजार करना चाहिए। गाड़ी रोकिए। साहब जी मैं भी आया साहब जी। बट्टू जल्दी, कोई आ रहा है। बट्टू आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, खली बाबा और चार चोर जंगल की तरफ ही आ रहे हैं, उनका रास्ता ब्लॉक कर दीजिए। टिंग टोंग जल्दी गाड़ी में बैठिए, कम ऑन। ठीक है साहब जी। अरे बट्टू ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग हमारे साहब जी से बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। मेरा रास्ता छोड़ दो। हे नादान इंसान, खली बाबा से टकराओगे तो। नहीं तो क्या? मैं क्यों बताऊं? तुम खुद ही देख लो, खली बाबा एक तूफान है, तुम जैसी छोटी मोटी आंधियां उसे रोक नहीं सकती। रोको मत, चढ़ा दो गाड़ी। अरे टिंग टोंग कहाँ गया? बड़े आए थे मुझे पकड़ने। ओ तेरी। गट्टू, बट्टू का सिक्स सेंस कह रहा है यहाँ खतरा है, खतरा। ओह रियली, थैंक यू सो मच बट्टू, हमें तो पता ही नहीं था।
ये देखिए खतरा यहाँ दलदल में है। उतरी। हाँ। अरे फंस गए। बचाओ टिंग-टोंग, बचाओ। आइला, अरे ये टिंग टोंग की याददाश्त फिर से गुम हो गई और वो खुद को अब बंदर समझने लगा है। बंदर, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अगर हम अपनी बेल्ट फेंक के मारेंगे तो हो सकता है टिंग टोंग भी वो ट्री वाइन तोड़ के फेंक के मारे, फिर हम उस ट्री वाइन से बच सकते हैं। देखा, नहीं लगी, नहीं लगी। अब देखना बट्टू का निशाना। नहीं नहीं नहीं, ये क्या किया? ओहो बट्टू, ये आपने क्या किया? वो ट्री वाइनी तो हमें चाहिए थी, हम उसका फंदा बनाकर बाहर लटकाते और बच जाते। अरे सॉरी सॉरी गट्टू, बट्टू ने तो ये सोचा ही नहीं था। अच्छा रुको, मेरे पास एक और तरीका है। कैसे फंस गए? मैं अभी आपको बसाता हूँ, अभी बसाता हूँ साहब जी। थैंक यू सो मच टिंग टोंग, थैंक यू। उतरी टिंग टोंग। नहीं, आपको बसाने के चक्कर में मैं भी धस रहा हूँ। सब्जी, अब क्या होगा सब्जी? वैसे आपको कूदने की क्या जरूरत थी? ऊपर से ट्री वाइनी फेंक देते। अरे वाह, प्रोफेसर आ गए, मतलब बच गए। अब तुम लोग डाकू पकड़ने गए थे या दलदल में कूद रहे? खैर कोई बात नहीं, चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ। मैम ये लो। Thank you, Professor. Thank you so much. Thank you. Take shot. हाथ पकड़िए। हमारा हाथ पकड़िए। शांति। Yes. Thank you, शांति। बहुत अच्छा। बाल बाल बचे। अच्छा हुआ देखने आ गया कि तुम लोग खली बाबा को कैसे पकड़ रहे हो। खली बाबा को तो हम पकड़ ही लेंगे प्रोफेसर, लेकिन पहले आप टिंग टोंग का इलाज कीजिए। इनकी याददाश्त गुम होने की बीमारी से हम बहुत परेशान हैं। मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, विश्वास रखो मेरे इलाज पर यार। इस विधि से दिमाग के हर प्रकार के विकार अछू मंतर हो जाते हैं। इसे शिरोधारा विधि कहते हैं, शिरोधारा। वो साहब जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर ये इलाज क्यों साहब जी? टिंग टोंग, आप चुपचाप खड़े रहिए बस। प्रोफेसर आज आपकी भूलने की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जैसे जैसे ये झरने का पानी आपके सिर पर से निकलेगा, वैसे वैसे आपकी बीमारी भी बहती जाएगी। टिंग टोंग होश में आइए, अब आपको क्या हो गया? इलाज बस खत्म ही होने वाला ये क्या हो गया? दूर चलिए, हमसे दूर चलिए। अरे गट्टू, ये टिंग टोंग तो इधर ही है, फिर ये दहाड़ने की आवाज पीछे से कैसे आई? उतरी। बट्टू का सिक्स सेंस कह रहा है,
यहाँ फिर से खतरा है खतरा। गट्टू तुम्हारे पीछे शेर है। इधर भी, इधर भी। बट्टू उठिए। बचाओ, बचाओ, भागो, भागो, शेर आया। अरे गट्टू आगे तो दो दो रास्ते, दो दो रास्ते, किस तरफ चले? किधर भी चलो लेकिन यहाँ से चलो। ऊपर वाले का नाम लीजिए और किसी भी तरफ चलिए, बस चलिए चलिए चलिए, वरना कहीं जाने लायक नहीं बचेंगे। ओके गट्टू ऐसे से। अरे क्या हुआ, चलो जल्दी पट्टू। अरे देखा गट्टू, हम सब बच गए, सब के सब। लाइफ को कभी भी जरूरत से ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। देखा बच गए ना। चलो गिव मी हाई फाइव। क्या हुआ डिंग डोंग, होश में हो? शाबजी आप दोनों तो यहाँ पर हो, लेकिन बट्टू साहब किधर है? हम सब्र करो, वो भी आते ही होंगे। ऐसे आपके अंदाजा नहीं था। आप टिंग टोंग का इलाज करना होगा, इसे यहाँ सुला दो। ये जगह बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर शेर चीता किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। प्रोफेसर अब क्या हो गया इस टिंग टोंग को? ये इंसान की आवाज की जगह कौन सी भाषा बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके सिर पर फ्रूट गिरा है, इसने ऊपर जरूर कुछ देख लिया है। जल्दी ऊपर देखो। निकल लो भैया, जोर से दौड़ो भैया। तू बड़ा स्पाइडर है। टिंग टोंग होश में आइए, आप इंसान हैं, स्पाइडर नहीं। आ जाओ, आ जाओ, हिम्मत है तो सामने आ जाओ। अरे टिंग टोंग, अपने मालिक को तुम किसी जायंट स्पाइडर को लंच डिनर कैसे बना सकते हो? अरे हमें बचा लो टिंग टोंग, कुछ तो करो, होश पे आओ टिंग टोंग, होश पे आओ। बट्टू टिंग टोंग को समझाना बेकार है, हमें ही कुछ करना होगा। लोग जमीन में क्यों लेटे हो? उस हुआ था क्या? अरे शुक्र मनाओ शुक्र के जमीन पे लेटे हैं, नहीं तो तुमने तो सीधा स्पाइडर के पेट में सुलाने का इंतजाम कर ही दिया था। बट्टू टिंग टोंग बिना इलाज के ठीक है, इनका इलाज तो हमारी सेहत के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तुम ठीक कहते हो गट्टू, हाल फिलहाल टिंग टोंग के इलाज को भुला कर हमें डाकुओं को पकड़ने के बारे में सोचना चाहिए। चलो अब तुम लोग ही डाकू खली बाबा को पकड़ लेना है, मुझे मेरे अगले आविष्कार की तैयारी करनी है। मैं चलता हूँ, बाय बाय, सी यू अगेन। गट्टू रुक जाओ, ये टायर के निशान तो हमारे जीप के नहीं है। बट्टू को पक्का यकीन है कि ये डाकू की ही जीप के टायर के निशान है। हेलो मनमानी सर,
जल्दी से जंगल के रास्ते पर मिलिए, डाकुओं की लोकेशन ट्रेस हो गई है। बिल्कुल जल्दी आइए। ये तो खली बाबा की जीप है, कहाँ गए कहाँ गए? कहाँ है वो चोर? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। पूरे 100 किलो सोने की चोरी की है उन लोगों ने। अब मेरा ये सर्चिंग डॉग सोंग सोंग कर उन्हें पकड़ लेगा। तेरी, अरे अब ये डॉगी बन गया। ओ टिंग टोंग, बस करो बस करो, एक दिन में कितने रूप बदलोगे? अरे टिंग टोंग, ये क्या कर रहे हो? डाकुओं को सूंघ के ढूंढो। और तुम पुलिस डॉग हो, ड्यूटी करो ड्यूटी। चलो डाकुओं को सूंघ के पकड़ो, जाओ। अरे लगता है इनको कोई सुराग मिल गया है। सुराग, ओए शाबाश या झकास, शाबाश टिंग टोंग, शाबाश। गट्टू, बट्टू को लगता है इस जगह पर अंदर कोई खुफिया रास्ता होगा। उस रास्ते के अंदर कोई टनल होगी जो सीधा खली बाबा और उसके ठिकाने तक हमें पहुंचा देगी। हो सकता है रास्ता खुलने का कोई कोडवर्ड भी हो। कोडवर्ड बट्टू ट्राई करता है। खुल जा सिम सिम, इससे पहले हो जाए लाइट डिम। खली बाबा और उसके 10 चोर, खुल जाए अब ये डोर। काश हमारे पास कोई फावड़ा होता तो हम ये गड्ढा मिनटों में खोद देते। थैंक यू गट्टू। अगर बट्टू को भी कोई कुड़ाली मिल जाती ना तो बट्टू भी तुम्हारी मदद कर देता। हाँ थैंक यू थैंक यू। देखा बट्टू, इस हड्डी के लिए इतना बड़ा गड्ढा खुदवाया इन दोनों ने। पता नहीं ये खली बाबा और 4 चोर भी कहाँ छुपे बैठे हैं। मैं तो यही हूँ, पलट कर देखो तो। खली बाबा, आज अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दौड़ के पकड़ लूंगा। इंस्पेक्टर, खली बाबा एक तूफान है, उसे तुम जैसी छोटी मोटी आंधी नहीं रोक सकती। वैसे आज मैं अच्छे मूड में हूँ, थोड़ा बहुत हिस्सा दे देता हूँ। तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ, ठीक है? खली बाबा, हम गलत बात और गलत आदमी का साथ कभी नहीं देते। अच्छा? हाँ, बट्टू का दोस्त तुम्हें चुटकियों में मसल देगा, मसल। गट्टू बट्टू की यारी दुश्मन पे पड़ेगी भारी। अटैक! छोड़ो छोड़ो हड्डी, अरे तुम पुलिस डॉग हो, जाओ डाकू को पकड़ो, जाओ। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे तुम पुलिस डॉग हो, अपना फर्ज निभाओ, मुजरिम को पकड़ो। चंपा सिंह बचाओ। क्या झकास टिंग टोंग, तुम इंस्पेक्टर मनमानी को छोड़ो और डाकुओं को पकड़ो। उसे ऑर्डर दिया। अरे टिंग टोंग जाओ। हाँ
बचाओ बचाओ इंस्पेक्टर, सोना मेरी जीप में है, वो ले लो। अरेस्ट मी, अरेस्ट मी। अरे इस डॉगी से बचो तो ही अरेस्ट करो ना। बचो टिंग टोंग ऐसे ही ठीक है, इनका इलाज ना करने में ही भलाई है।